हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग मैम। ये है आपकी इंटरैक्टिव मैथ्स। ओके मैम। और इसमें आज हम करेंगे पेज नंबर 50। चलो, ये है शेप्स। ठीक है, कौन सा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फोर साइड्स होते हैं और फोर कॉर्नर्स भी होते हैं। और ये दोनों जो साइड्स होती है, ऑपोजिट साइड्स बोलते हैं, वो इक्वल होती है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर ऐसा कोई ट्राइंगल, ऐसा कोई रेक्टेंगल मिले तो आप उसको क्या बोलोगे? रेक्टेंगल। ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल। ओके ओके मैम। अभी ये क्या करेंगे? ट्रेस ऑन द लाइंस एंड कंप्लीट द रेक्टेंगल। ये डॉट डॉट दिए हुए हैं, उसको हमको ट्रेस करने हैं। एंड कलर इट ब्लू, और उसको हम ब्लू कलर करेंगे। ओके ओके मैम। पहले ये डॉट डॉट करके इसे ज्वाइंट कर लेना है। आपको ये ज्वाइंट करना आता है ना? यस मैम। वैसे ही सेम आपको ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अभी इसमें हम करेंगे ब्लू कलर। ओके, आपको भी ऐसे अच्छे से करना है। हाँ, और कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। Draw और paste some rectangular shaped things in the big rectangle. ये एक बड़ा रेक्टेंगल दिया हुआ है। आपको क्या करना है? कोई भी रेक्टेंगल चीज़ या चिपका दो इसके ऊपर, या ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करो और उसके अंदर कलर कर दो तो भी चलेगा। आपके पास न्यूज़पेपर है या कोई भी वेस्ट पेपर है, उसको रेक्टेंगल शेप कट करके यहाँ पे आप चिपका सकते हो। ओके ओके मैम।